वेलकम टू एस्पांडे यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ मैथ की डिफिनिट इंटीग्रेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेगुलर आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड आदि सभी बोर्डों में ट्वेल्थ में ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x। तो सबसे पहले एक कंडीशन होता है, क्या होता है देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू जो होता है इंटीग्रेशन 0 to a f(a−x) dx, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन होता है। उसी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के आधार पर ये बनेगा। तो अब देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x है। तो अब देखिए क्या होता है, a माइनस एक्स होता है, तो a के रूप में क्या है, जीरो नीचे है, देखिए a ऊपर में रहता है, उसी तरह a का मान क्या है π/4, तो यहाँ हो जाएगा π/4, अब माइनस क्या है x, यानी a माइनस एक्स होता है, तो जहाँ x रहेगा उसी जगह a माइनस एक्स होगा। तो अब देखिए क्या है dx है। अब यहाँ देखा जाए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 − x है। तो अब देखिए एक सूत्र होता है tan a − b = tan a − 10b / 1 + 10a × 10b। तो यहाँ पे देखिए tan a माइनस b है, तो tan a का मान क्या है π/4 − b, b का मान क्या है देखिए tan x, क्योंकि tan a माइनस b का सूत्र होता है tan a − 10b / 1 + tan a, यानी tan π/4 × tan x हो गया × dx। तो अब यहाँ देखिएगा 1 + अब यहाँ देखिए I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + अब देखिए 10π/4 है, 10π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस यहाँ पे 10x हो गया, माइनस क्या हो गया 10x, फिर देखिए बाय 1 + 10π/4 का मान क्या होगा 1, तो 1 × 10x क्या हो जाएगा 10x ही हो जाएगा, 10x हो जाएगा dx। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में आप लोग को? अब देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 अब देखिए नहीं कुछ तो एक, तो ये log, अब देखिएगा इसका 1 और 1 + 10x का लगभग 1 + 10x हो जाएगा, 1 + 10x, ये 1 + 10x इधर गुना हो जाएगा, 1 + 10x यहाँ गुना हो जाएगा, फिर देखिए +1 − 10x हो जाएगा, 1 − 10x dx। फिर से समझिए बाबू, ये देखिए इस नीचे नीचे का एलसीएम 1 + 10x, ये 1 + 10x यहाँ गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 − 10x, अब ये −10x, अब +10x क्या हो गया, कट गया। तो अब देखा जाए स्टूडेंट, ये देखिए I इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, अब देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 / 1 + 10x हो जाएगा, 1 + 10x dx। अब देखिए log m/n के रूप में है, log m/n के रूप में, तो I इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, अब देखिए m के रूप में क्या हो गया 2, अब माइनस क्या हो जाएगा log m, यानी 1 + 10x। ध्यान दीजिए फिर एक बार सभी स्टूडेंट, देखिए log m/n के रूप में, तो log m − log n होगा कि नहीं, log m/n का फॉर्मूला होता है log m − log n, m के रूप में 2 है और m के रूप में क्या 1 + 10, समझ में आ रही होगी। अब देखा जाए स्टूडेंट I इज इक्वल टू अब देखिए log 2 को बाहर कर दीजिए, log 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, log 2 बाहर हो गई, इंटीग्रेशन 0 to π/4 ठीक, अब देखिए × dx, यहाँ dx कर दिए, फिर माइनस देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4, अब log, यहाँ कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रही है,
आज की लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब देखा जाए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सॉरी लॉग टू। अब देखिए इंटीग्रेशन नहीं कुछ तो वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, ये जीरो टू पाई बाय फोर हो गया। अब देखिए माइनस, अब देखिए पे इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स। ये देखिए सवाल भी है, सवाल है ना आपका, देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डीएक्स। इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या है आई, तो ये टोटल टर्म क्या है आई है, ये टोटल टर्म क्या है आई। अब ये माइनस आई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आई, और प्लस क्या हो गया आई, ये माइनस आई इधर आएगा आई प्लस आई। तो अब देखिए क्या हो गया लॉग टू। अब देखा जाए, अब देखिए आप ये देखिए एक्स के ऊपर पाई बाय फोर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई बाय फोर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक बार अपर लिमिट बैठेगा एक बार माइनस लोअर लिमिट। आई प्लस आई क्या हो गया टू आई, आई प्लस आई क्या हो गया टू आई। अब देखिए ये क्या हो गया पाई बाय फोर लॉग टू हो गया। देखिए पाई बाय फोर माइनस जीरो पाई बाय फोर और क्या हो गया लॉग टू हो गया। अब देखिए ये टू जो है इधर गुना हो जाएगा, तो इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय एट, क्योंकि चार दूनी आठ लॉग टू आंसर, लॉग टू आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।